सीरियल गुमे किसी के प्यार में आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफ़ी धमाकेदार और ट्विस्ट भरिंग होने वाले हैं, जहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही यहां पर गणेश जी की स्थापना का टाइम आएगा तो अस्मिता काकू बीच में बोल देने वाली है और कहने वाली कि अभी सभी नहीं आए। निशी काका जो हैं वह चुप कराने वाले हैं अस्मिता काकू को और कहने वाले हैं कि वह तो अपनी मर्जी से गई है, उसने बताया है कि वह अपने पर्सनल काम से जा रही, उसे घर के कामों से क्या पड़ी है जो तुम उसके बारे में यहाँ पर टोक रही हो, और बीच में टोकना अच्छी बात नहीं इसलिए तुम चुप रहो। अस्मिता कुछ टाइम के लिए चुप हो जाती है और वहाँ पर अचानक से सभी की एंट्री होने वाली है बहुत ही ज़्यादा दमदार, क्योंकि यहाँ सभी किसी और के काम से नहीं बल्कि पूरी फैमिली की खुशी के लिए बाहर गई थी, और उसके हाथ में होने वाली है पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति, जिससे देख करके अक्का शाह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाने वाली है, और यहाँ पर वह इतनी खुश होगी कि कहने वाली है कि आज मैं अपने हाथों से सभी के पैर धुलूंगी, और वह आगे बढ़ करके सभी का स्वागत करने वाली है और सभी के पैर को धोने वाली है। यह सारी चीज़ें देख करके ईशान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सभी कुछ ऐसा करेगी जिससे कि अक्का साहब आगे बढ़ करके ये सारे काम वो भी इतने अच्छे करने वाली है, और यहाँ पूरी फैमिली की खुशी के लिए सभी ने जो कुछ भी किया है ईशान ने पहली बार देखा है कि सभी कोई बहुत अच्छा काम की है, जिससे कि राव साहब अक्का साहब और पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई खुश हो ना हो लेकिन ईशान बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है, और अक्का साहब भी सोचेंगे कि चलो इस लड़की ने पहली बार बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सभी के बारे में अभी ईशान के सिवा कुछ कोई नहीं जानता कि वो किस तरह की है, लेकिन यहाँ सभी जैसे जैसे दिन उसके बीतेंगे भोसले हाउस में तो सब उसको जान जाएंगे कि वह किस तरह की लड़की है, और सब उसके काफ़ी करीब भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर शिखा और अस्मिता सभी को बहुत मानती हैं और उन्हें पता है कि सभी बहुत ही अच्छी लड़की है दिल की, और वह सबके बारे में सोचती है। लेकिन यहाँ पर दुर्वा की वजह से सभी को काफ़ी ज़्यादा निगेटिव सब सोचते हैं कि वह सही लड़की नहीं है और वह कोई भी ढंग का काम नहीं करती है। लेकिन जैसे जैसे सभी के दिन यहाँ पर गुजरने वाले हैं वैसे वैसे वह पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम ज़रूर करने वाली है जिससे कि उसकी तारीफें होंगी। लेकिन यहाँ पर दुर्वा और रीवा आगे चल के और भी ज़्यादा नेगेटिव होंगे, क्योंकि उनको सभी बर्दाश्त नहीं होने वाली। हालांकि यहाँ पर रीवा और सभी की बॉन्डिंग अभी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन वह भी उसी तरह से होने वाली है जिस तरह से पाखी हुआ करती थी, पहले अच्छी थी और बाद में नेगेटिव हो गई थी। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना।